ऑफिस में बैठ कंडक्टर हो ऐसे। हाँ बताओ अपना क्या खाती हो तो कितना आता है। देखो शुगर कैसे मैनेज हो रही है, बड़ा मज़ा आ जाता है देख के। खुद सिखा देती हूँ, ये लोग खुद करते हैं मैनेज। तो जब इसका 128-126 से ज़्यादा आता है, इस बार ये खाई तुमने है ना, तब पनीर खाया था वो अपनी करी तो थोड़ी सी आ गई, नहीं तो 120 तक ही आ रही है। वॉक तो करी 30 मिनट की, पर पनीर खाया था उस दिन। अच्छा ये वॉक भी लिखा, वॉक भी लिखी है, लंच लिखा है, ये ब्रेक पीपी लिखी है, और यहाँ से शुरू है इसका डिनर जो किया, फिर इसने फास्टिंग शुगर की, फिर वॉक, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर वॉक की, फिर पीपी का लिखी है। कितने देर वॉक करती हो? 105, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट। तो खुद को समझ आ जाता है, ये सबसे अच्छी बात होती है कि हम क्या करें क्या खाएं, है ना। ये नहीं कि कोई और ही बता रहा है तुम्हारी चॉइस क्या है। अब इसमें कुछ हमें कमी निकलेगी, तुमने दही भी खा लिया, सैलेड भी खा लिया, सब्जी भी खा ली, मूंगफली, बादाम, दूध, दही सब खा लिया, तो कुछ कमी होती तो बता देती। ऑयल ज़्यादा डालते हैं सब तला हुआ। हाँ और वेट बढ़ना चाहिए, ये भी नहीं कि इतनी ज़्यादा, मतलब इतने अच्छे से तुम मेरी बातें फॉलो करो कि वेट कम हो जाए, ऐसा नहीं। 65 है ना, पहले कितना था? शुरू तो इसका हुआ था हमारा, ये 60 से था, 66 से 66 हुआ, 6 महीने में 6 महीने बढ़ा है, 6 किलो बढ़ा है। और ये कितना था? ये तो यहाँ था 64, ये 64 से 66 हुआ ना 2 महीने में, तो ठीक बढ़ रहा है 1 kg पर मंथ, मतलब इतना बढ़िया। तो जिनको शुगर नहीं होती वो भी नहीं मेंटेन कर पाते कि 1 किलो बढ़े भी, खाए भी सब कुछ, है ना। और शुरुआत मेरी प्रेगनेंसी भी खाने से ही हुई थी, है ना, मेटफॉर्मिन से ही हुई थी। उससे पहले अबॉर्शन हो रहे थे? नहीं, मतलब 2 अबॉर्शन हुए ना, उसके बाद तीसरी बार सिरे चढ़ा, और मैंने कोई और दवाई नहीं दी सिवाय मेटफॉर्मिन के, ना होने के लिए और ना बाद में बढ़ने के लिए। IVF भी करा चुके थे, दो बार IVF हुआ है, IUI हुए हैं। तो जो कमी है वही ठीक करनी है। उसके बाद देखो कोई बढ़ने का नहीं दिया, कोई वीकली इंजेक्शन नहीं, कोई अंदर रखने की गोली नहीं, वही आयरन कैल्शियम मेटफॉर्मिन, वो भी तुम्हारी छूट रही है अब जैसे जैसे तुम वॉक अच्छे से कर रहे हो। शुरू में तुम्हारी ज़्यादा आई होगी तो दी होगी, है ना, शुरू में ज़्यादा दी। आपने समझाया था फास्टिंग 90 और 126, ये 6 वीक्स पे है ना, इससे पहले भी दी ना, होने से प्रेगनेंसी से पहले। कब से खा रही थी, कितने दिन खाई तो हो गई प्रेगनेंसी? 2 महीने खाई बिना IVF, बिना IUI, बिना कुछ करे, बिना ध्यान करे, है। डाइट तुमने काबू ठीक करी और मेटफॉर्मिन खाई, उससे पहले भी हुई थी, मतलब वाह भाई वाह, दिल खुश कर दिया तुमने। कितनी सुंदर भी लग रहे हो, कोई छाई नहीं कुछ नहीं, अच्छा सैलेड खाया है। पहले से अच्छी होगी ना, क्योंकि ऑफिस वाले भी तो ध्यान रख रहे हैं, उन्होंने भी तो इजी काम दिया, और घर वाले भी ध्यान रख रहे हैं, और तुम भी ध्यान रखना।